Keep learning, keep growing, keep watching. Good morning, everyone. Welcome. Now, we will discuss about the radiation physics, and the topic is modern X-ray tube. Modern X-ray tube पढ़ने से पहले हमने पहले मॉडर्न एक्सरे ट्यूब पढ़ी थी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या उसमें डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण एक नई मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इन्वेंट करनी पड़ी। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। स्टेशनरी एनोड ट्यूब हैव ए स्मॉल टारगेट एरिया दैट लिमिट्स द हीट डिसिपेशन एंड आल्सो लिमिट्स द एक्सरे आउटपुट। स्टेशनरी एनोड ट्यूब हैव ए स्मॉल टारगेट एरिया। स्टेशनरी एनोड जो था उसके अंदर हमारा जो टारगेट मटेरियल था उसका जो एरिया था वो क्या था, कम था। दैट लिमिट्स द हीट डिसिपेशन, जो क्या करता था, हीट डिसिपेशन की जो लिमिट है उसको कम रखता था। एंड आल्सो लिमिट्स द एक्सरे आउटपुट, और एक्सरे के आउटपुट को भी क्या करता था, लिमिटेड करता था, कम करता था। यानी कि जो टारगेट मटेरियल का जो एरिया था उसके कारण क्या होता था, हीट डिसिपेशन इजिली नहीं हो पाता था और जो एक्सरे का जो आउटपुट है वो भी लिमिटेड रहता था, यानी कम एक्सरेज मिलती थी। सेकंड है, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब हैव लेस लाइफ कंपैरिजन टू द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की जो लाइफ होती है एज कंपेयर टू रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के, वो कम होती है। क्यों होती है कम, इसका रीजन ये है क्योंकि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हमारा टारगेट मटेरियल या फिर जो हमारा एनोड होता है वो रोटेट करता है, बट स्टेशनरी के अंदर ये चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसके कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलते हैं और लगातार बॉम्बार्ड करते हैं टारगेट मटेरियल के ऊपर, तो क्या होगा, स्टेशनरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह टकराएंगे और टकराते जाएंगे रेगुलरली, तो क्या होगा, वहाँ पर हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हमने स्टार्टिंग में लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और 1% एक्सरेज निकलती है, तो ज़्यादा हीट निकलने के कारण क्या होगा, जो हमारा टारगेट मटेरियल है वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और जो हमारी ट्यूब है वो हमारी डैमेज हो जाएगी। तो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर इस डिसएडवांटेज को दूर किया। हम बात करते हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहले सबसे पहले यूज़ किया जाता है डेंटल एक्सरे यूनिट के अंदर, फिर किया जाता है पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में भी किया जाता है, और पोर्टेबल फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर भी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के बारे में, यानी कि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो एनोड होगा वो क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एनोड हमारा या फिर जो टारगेट मटेरियल है वो थोड़ा अलग तरीके का होगा एज कम्पेयर टू स्टेशनरी, यानी कि फिक्स नहीं होगा, इसमें रोटेट करेगा, तो कुछ अलग तरह से डिजाइन किया गया है इसको, वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में, जो अभी सबसे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है और प्रेजेंट टाइम के अंदर इसका यूज किया जा रहा है। इन 1933 द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब वॉज इन्वेंटेड। 1933 के अंदर ये एक्सरे ट्यूब इन्वेंट की गई थी। इन दिस ट्यूब द एनोड इज मेड टू रोटेट बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड। इस ट्यूब के अंदर एनोड इस प्रकार बनाया जाता है कि जो एनोड इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से पहले ही क्या करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए। इट वॉज डेवलप्ड टू इंक्रीज द पॉसिबल लोडिंग बाय रैपिडली द स्पिलिंग द टारगेट ड्यूरिंग द एक्सपोजर। इट वॉज डेवलप्ड टू इंक्रीज द पॉसिबल लोडिंग, इसको इस प्रकार डेवलप किया गया है, इस एक्सरे ट्यूब को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कि ये ज्यादा से ज्यादा लोडिंग को झेल सके, ज्यादा, ठीक है, बाय रैपिडली द स्पेलिंग द टारगेट ड्यूरिंग द एक्सपोजर, ताकि क्या हो, जब लगातार एक्सपोजर इसके ऊपर गिरे तो क्या हो, जो हमारा टारगेट वो स्पेल ना हो, मेल्ट नहीं हो, पिघले नहीं। यानी कि एक बार वापस देख लेते इस लाइन को, इट वॉज डेवलप टू इंक्रीज द पॉसिबल लोडिंग, ये पॉसिबल लोडिंग को क्या करता है, बढ़ाता है, बाय रैपिड द स्पिलिंग द टारगेट ड्यूरिंग द एक्सपोजर, जब एक्सपोजर लगातार एक्सपोजर आता है तो उस दौरान क्या हो, टारगेट पिघले नहीं, इसलिए ये क्या करेगा, जो लोडिंग है उसको, पॉसिबल लोडिंग है उसको इंक्रीज करेगा। दिस विल इनेबल द एक्सरे ट्यूब टू विथ स्टैंडिंग द हीट जनरेटेड बाय ए लार्जर एक्सपोजर। इस
will enable the X-ray tube to withstanding the heat generated by the larger exposures. लार्जर एक्सपोजर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का बोम्बार्डेशन या फिर जो स्ट्राइक करवाया जाता है टारगेट के ऊपर, तो उस दौरान जो हीट निकलती है उस हीट का भी ये क्या कर सकता है, इजीली फेस कर सकता है और वहाँ पर ये जो हमारा टारगेट मटेरियल है वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एक नोट। नोट क्या है, ऑल द इक्विपमेंट्स आर सेम एज स्टेशनरी एनोड एक्सेप्ट ट्यूब एक्सेप्ट एनोड, यानी कि एनोड को छोड़कर जितने भी इक्विपमेंट्स स्टेशनरी एनोड एक्सेप्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टडी की है वो सारे इक्विपमेंट्स हम यहाँ भी स्टडी करेंगे। तो वो सारे इक्विपमेंट्स मैंने यहाँ वापस नहीं बताए हैं, ये इक्विपमेंट्स आप लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हो, लेक्चर 5-6 के अंदर, उनके अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सेप्ट ट्यूब के सारे इक्विपमेंट्स दे रखे, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम एनोड की स्टडी करेंगे कि एनोड यहाँ पे किस प्रकार डिफरेंट होता है, बाकी इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो हमें वहाँ से लिखने हैं और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर हमें पूरे इक्विपमेंट्स लिखने हैं और इसके साथ में हम इसके आगे वर्किंग भी पढ़ेंगे तो वो भी हमें लिखनी होगी। तो बात करते हैं अब एनोड की। द एनोड इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज डिस्क ऑफ टंगस्टन, यहाँ पर जो एनोड होता है वो भी टंगस्टन का ही बना होता है, लेकिन वो क्या किस फॉर्म में होता है, डिस्क की फॉर्म में होता है। द एनोड रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3000 राउंड पर मिनट, और जो एनोड है वो रोटेट करता है 3000 राउंड पर मिनट की स्पीड से। दिस विल फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन्स टू बॉम्बार्ड ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एरिया ऑफ द टारगेट, और ये जो रोटेट करता है टारगेट ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो लगातार चेंजिंग एरिया पे क्या है स्ट्राइक करते रहे टारगेट के, यानी कि वापिस देखते हैं एक बार। दिस विल फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन्स टू बॉम्बार्ड ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एरिया ऑफ द टारगेट, ये जो एनोड रोटेट करता है इसके कारण होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एरिया टारगेट के अलग अलग एरियाज पर स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, हीट डिसिपेशन कम होगा और एक्सेल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि अलग अलग एरियाज पर जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो एक्सेल का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक स्पेशल चीज के बारे में, जो है रोटर, कि रोटर क्या होता है। रोटर क्या काम करता है, द रोटर हैव बेयरिंग्स व्हिच हेल्प द एनोड असेंबली टू रोटेट, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम व्हिच इज हैविंग हाई मेल्टिंग एंड पुअर हीट कंडक्शन। द रोटर हैव बेयरिंग्स, रोटर के अंदर क्या होते हैं, बेयरिंग्स लगे होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं, विच हेल्प द एनोड असेंबली टू रोटेट, यानी कि रोटर के अंदर बेयरिंग्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, एनोड को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। द स्टेम इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम विच इज हैविंग हाई मेल्टिंग एंड पुअर कंडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेम जो होता है, एक स्टेम होता है जिसके ऊपर रोटर लगी होती है, ठीक है, टाइगर मटेरियल लगा होता है। अब जो स्टेम जो लगा होता है जिसके ऊपर रोटर लगा होता है वो बना होता है मॉलिब्डेनम का। मॉलिब्डेनम का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मॉलिब्डेनम का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जल्दी से क्या करता है, पिघलता नहीं है, एंड पुअर हीट कंडक्शन, और हीट कंडक्शन इसका पुअर होता है, यानी कि जो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टारगेट पे टकराएंगे तो वहां पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होकर वो डिस्क से थ्रू स्टेम के थ्रू होते हुए बियरिंग तक जाएगी, तो पुअर कंडक्शन से क्या होगा कि वहां पर वहां तक हीट नहीं पहुंच पाएगी, बियरिंग्स तक हीट नहीं जाने देगा ये, क्योंकि कंडक्ट नहीं करता ये। ठीक है, दिस मॉलिब्डेनम स्टेम प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द टंगस्टन टू बियरिंग्स, सो द बियरिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट। जो मॉलिब्डेनम स्टेम है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे जो प्रिवेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, PRE है, द फ्लो ऑफ हीट, यानी मॉलिब्डेनम स्टेम क्या करेगा, हीट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा फ्रॉम द टंगस्टन, टंगस्टन से टू बियरिंग्स, बियरिंग्स तक, यानी कि मॉलिब्डेनम का जो स्टेम है वो टंगस्टन से जो हीट निकल रही उसको बियरिंग्स तक जाने से रोकेगा, सो द बियरिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट, इसलिए इस प्रकार जो बियरिंग्स होंगी वो क्या होंगी, हीट से प्रोटेक्ट रहेंगी, ये बियरिंग्स खराब नहीं होंगी हीट के कारण। द एनोड इज कनेक्टेड टू आर्मेचर ऑफ इंडक्शन मोटर, और यहाँ पर जो एनोड है उसको हम कनेक्ट करेंगे इंडक्शन मोटर से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि रोटर जो होता है उसका इनर व्यू किस प्रकार होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आगे आगे दिख रही होगी एनोड की डिस्क,
ठीक है, एनोड डिस्क लगी है स्टेम के ऊपर, स्टेम जुड़ा हुआ स्पिंडल से, जहाँ पर वो रोटेट करता है स्पिंडल, जिसके कारण एनोड डिस्क रोटेट करती है, रोटेशन होता है। फिर स्पिंडल आगे जुड़ा हुआ होता है, स्पिंडल बियरिंग्स के सपोर्ट से जुड़ा हुआ होता है और बियरिंग्स के बाहर की तरफ सपोर्ट होता है और ये इस प्रकार पूरे तरह से रोटर बन जाता है। किस प्रकार वर्क करता है, जैसे ही एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो हीट जो होगी वो स्टेम के थ्रू होते हुए बियरिंग्स तक जाएगी। इसके लिए हमने मॉलिब्डेनम का यूज़ किया था ताकि यहाँ पर हीट कंडक्शन ना हो, हीट का फ्लो ना हो टंगस्टन से बियरिंग्स तक। अगर हीट बियरिंग्स तक चली जाएगी तो जो हमारा रोटर होगा वो हमारा डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और जो हमारा एक्सर ट्यूब में जो वर्क है इसका वो नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रोटेटिंग एनोड की जो डिस्क है वो किस प्रकार होती है। रोटेटिंग एनोड की जो डिस्क है वो इस प्रकार होती है, इसके अंदर रेडियस होती है, ठीक है, इसके अंदर पेरीमीटर होता है और यहाँ पे एक एंगल भी दे रखा है थीटा, ए बी और सी डी इनके बीच में। तो ये इसका फ्रंट व्यू है रोटेटिंग एनोड का, डिस्क का। अब हम बात करते हैं इसके सिंगल फोकस या डबल फोकस के बारे में, कि जो हमारी जो एनोड की डिस्क है उसका सिंगल फोकस प्रकार होगा। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, सिंगल फोकस के अंदर क्या होगा, लेटरल व्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, एनोड के अंदर बीवेल एंगल दे रखा है, यानी कि एंगल दिया हुआ है टारगेट के अंदर, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये बीवेल एंगल क्यों दिया गया है, इसका क्या बेनिफिट है। और जैसे हम डबल फोकस पे देखेंगे तो डबल फोकस पे क्या होगा, बीवेल एंगल और लंबा हो गया और यहाँ पे क्या होंगे, दो अलग अलग एंगल्स बनेंगे, थीटा और थीटा टू, जबकि सिंगल फोकस के अंदर सिर्फ एक एंगल बनता है थीटा वन, ठीक है। स्मॉल फोकस और लार्ज फोकस क्यों यूज किया जाता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तो अब हम बात करते हैं आगे इसके वर्किंग, आगे की वर्किंग के बारे में। व्हेन द एक्सल यूनिट इज स्टैंड ऑन द मोटर अलोन एनर्जाइज्ड फर्स्टली फॉर अ फ्यू सेकंड्स अंटिल द रोटर रीचेज इट्स ऑपरेटिंग स्पीड। सबसे पहले हम एक्सल यूनिट को ऑन करेंगे, द मोटर अलोन एनर्जाइज्ड फर्स्टली फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और सबसे पहले जो मोटर होगी वो क्या होगी, एनर्जाइज्ड होगी, चालू होगी कुछ सेकंड्स के लिए, अंटिल द रोटर रीचेज इट्स ऑपरेटिंग स्पीड, जब तक कि रोटर क्या अपनी ऑपरेटिंग स्पीड पर नहीं पहुंच जाता तब तक क्या होगा, मोटर एनर्जाइज्ड होती रहेगी। देन ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द फोर सॉरी देन ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टू फॉर द रिक्वायर्ड एक्सपोजर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे भी हमारे को एक्सपोजर चाहिए, हाई एक्सपोजर चाहिए तो उस प्रकार वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लो एक्सपोजर चाहिए तो हमें उस प्रकार वोल्टेज अप्लाई करेंगे। आफ्टर द एक्सपोजर रोटर इज स्लो डाउन क्विकली, एक्सपोजर के बाद में जो रोटर होगा वो स्लो हो जाएगा धीरे धीरे। द ट्यूब मस्ट बी ऑपरेटेड इन द वैक्यूम एंड द बियरिंग्स आर लुब्रिकेटेड विद द सूटेबल लुब्रिकेंट। जो ट्यूब होगी वो ऑपरेट करेंगे हम वैक्यूम के अंदर, जैसे कि हमने स्टेशनरी एनोड एक्सल ट्यूब को भी वैक्यूम के अंदर ऑपरेट किया था, वैसे यहाँ पर भी वैक्यूम होगा, वैक्यूम के अंदर ऑपरेट करेंगे। एंड बियरिंग्स आर लुब्रिकेटेड विद द सूटेबल लुब्रिकेंट, और बियरिंग्स जो होंगी वो लुब्रिकेट होंगी एक सूटेबल लुब्रिकेंट, यानी कि मेटेलिक सिल्वर की लुब्रिकेंट से। अब आगे बात करते हैं, कॉमनली अवेलेबल लुब्रिकेंट सच एज ऑयल कैन नॉट बी यूज सिंस इट विल वेपराइज व्हाइल हीटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द वैक्यूम। यहाँ पर ऑयल का यूज हम नहीं कर सकते, क्यों, सिंस इट विल वेपराइज व्हाइल हीटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हीट ज्यादा, जैसे ही क्या होगी एक्सल ट्यूब हीट होगी, हीटेड होगी तो क्या होगा, वो ऑयल जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी वैक्यूम डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, पूरी वैक्यूम के अंदर गैस फिल हो जाएगी। मेटेलिक लुब्रिकेंट सच एज सिल्वर आर सूटेबल, जो मेटेलिक लुब्रिकेंट है यहाँ पर वो यूज किया जाता है सिल्वर पाउडर के रूप में। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग द वूल सर्कमफेरेंस ऑफ द एनोड, नो पार्ट ऑफ द एनोड हैव वेरी हाई टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी टारगेट है उसकी पूरी परिधि को पर स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। नो पार्ट ऑफ द एनोड हैव वेरी हाई टेम्परेचर, और एनोड का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो हाई टेम्परेचर के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड कर रहे हैं लेकिन चेंजिंग एरियाज पर।
The heat from the tungsten disc is dissipated by the radiation through the vacuum to the wall of tube and then into surrounding oil and tube housing. The heat from the tungsten disc. अब हम बात कर रहे हैं हीट की, कि हीट किस प्रकार डिसिपेट होगी. तो हीट किस प्रकार डिसिपेट होगी. द हीट फ्रॉम द टंगस्टन डिस्क इज डिसिपेटेड बाय द रेडिएशन. जो हीट यहाँ पर निकलेगी वो क्या है, टंगस्टन डिस्क के वो रेडिएशन की फॉर्म में डिसिपेट होगी थ्रू द वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर क्या होगी, रेडिएशन की फॉर्म के रूप में डिसिपेट होगी टू द वॉल ऑफ द ट्यूब. यानी ट्यूब की वॉल तक क्या होगी, रेडिएशन के फॉर्म के अंदर ट्यूब की वॉल तक चली जाएगी. फिर वहां से ट्यूब की वॉल से कैसे जाएगी, एंड देन और वहां से इनटू द सराउंडिंग ऑयल एंड ट्यूब हाउसिंग. हमने स्टेशन और एक्स्ट्रा ट्यूब के अंदर भी पढ़ा था, जो एक्स्ट्रा ट्यूब थी उसके हम हाउसिंग करते हैं, यानी उसके बाहर क्या हम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल भरते हैं और उसके अंदर ट्यूब रखी जाती है. तो वापस एक बार समझिए इसको, किस प्रकार ये हीट डिसिपेट होगी. जैसे ही हीट निकलेगी टारगेट के ऊपर, तो टारगेट से जो हीट होगी वो रेडिएशन के फॉर्म के अंदर कहाँ जाएगी, एक्सेल ट्यूब की वॉल तक. अब एक्सेल ट्यूब की वॉल तक हीट पहुँच चुकी है, वहाँ से हीट कैसे निकलेगी, वहाँ से हीट निकलेगी हाउसिंग के अंदर, जहाँ पर ट्यूब है, ट्यूब के बाहर क्या ऑयल है, तो ऑयल कन्वेक्शन मेथड के थ्रू क्या वहाँ से हीट कवरिंग तक चली जाएगी, ठीक है, ट्यूब हाउसिंग. और ट्यूब हाउसिंग से क्या होगी, जो हीट होगी वो एनवायरमेंट में एयर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू चली जाएगी. अब बात करते हैं, द टाइप ऑफ रोटर्स आर अवेलेबल. वन ऑपरेट्स एट 60 हर्ट्ज पावर सिंगल फेज एंड गिव्स रोटेशन अबाउट 3000 राउंड पर मिनट. यहाँ पे दो प्रकार के रोटर अवेलेबल होते हैं हमारे पास. एक होता है, एक जो ऑपरेट होता है वो 60 हर्ट्ज पावर पर ऑपरेट होता है, यानी कि सिंगल फेज पर, और वो 3000 राउंड्स पर मिनट का रोटेशन देता है. एंड द अदर वन ऑपरेट्स एट द 180 हर्ट्ज थ्री फेज एंड गिव्स देयर रोटेशन अप गिव्स ए रोटेशन स्पीड ऑफ 9000 राउंड्स पर मिनट. और जो दूसरा रोटर होता है वो 180 हर्ट्ज की पावर पर ऑपरेट होता है, और जो कि थ्री फेज होता है, एंड गिव्स ए रोटेशन अबाउट स्पीड ऑफ 9000 राउंड पर मिनट. और इसका जो स्पीड रोटेशन होता है वो 9000 राउंड पर मिनट होता है. यूजुअली रोटेटिंग एनोड एक्सेल ट्यूब आर फिल्ड विथ टू फिलामेंट्स. यूजुअली जो रोटेटिंग एनोड एक्सेल ट्यूब होती है वो क्या होती है, दो फिलामेंट्स के साथ फिट की जाती है. वन फिलामेंट इज डिजाइन टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द टारगेट सॉरी फोकस द इलेक्ट्रॉन ऑन द लार्ज फोकल एरिया ऑफ द टारगेट. यानी कि एक फिलामेंट इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लार्ज फोकल एरिया के ऊपर फोकस करेंगे. एंड द अदर वन इज यूज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्मॉलर एरिया ऑफ द टारगेट. और दूसरा फिलामेंट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फोकस हो वो स्मॉल फोकल एरिया पर हो, टारगेट के स्मॉल फोकल एरिया पर फोकस हो सके इसलिए. अब ये तो होगी इसकी वर्किंग, कि किस प्रकार ये वर्क करती है. अब हम बात करते हैं कि रोटेटिंग एनोड एक्सेल ट्यूब के क्या एडवांटेजेस हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट, इन कंपेरिजन टू द अदर एक्सेल ट्यूब्स, रोटेटिंग एनोड एक्सेल ट्यूब इज मोस्ट एडवांटेजेस एंड सूटेबल. अदर एक्सेल ट्यूब्स की कंपेरिजन के अंदर रोटेटिंग एनोड एक्सेल ट्यूब क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है और सूटेबल है. किस प्रकार है देखते हैं. इट हैव मोर एफिशिएंसी, हाई लोडिंग गेन ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एनोड. अब होता क्या है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एफिशियंस होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एफिशियंटली वर्क कर सकती है और हाई लोडिंग गेन भी ले सकती है. यानी कि लोडिंग गेन भी क्या इसका बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है टारगेट एरिया के इंक्रीज होने के कारण. इट विल विथस्टैंडिंग ए हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ हायर एनर्जी एक्सरेज. हाई एनर्जी की एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के दौरान भी क्या है, हमारा जो एनोड है वो पिघलता नहीं है, हाई टेम्परेचर होने पर भी नहीं पिघलता है. तो ये इसका एडवांटेज है कि जो हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो पिघलता नहीं है. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे ही ऐसे काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल सके.
यहाँ पे डीआरटी पास्ट फर्स्ट के हम सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। थैंक यू।